कोटा में पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत के पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को जबरन दूषित पानी पिलाने के मामले ने बतूल पकड़ लिया है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताते हुए राजावत के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सचिवालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में जोशी ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, कोई समस्या हो तो शिकायत करें, हम निस्तारण करेंगे, गलती पर सजा भी देंगे, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और 177 जो है वो उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें से काफी भर्तियां सूची निकल चुकी, लेकिन 54 लोगों के बारे में अभी वो सूची निकल रही है। तो जो पहले वालों को जो समय दिया है उस समय को जो है उसको कंज्यूम करते हुए हम जल्दी ही लगभग हम 53-54 लोगों की जेएनएस की भर्ती बहुत शीघ्र करने वाले हैं। इसके अलावा जो एएन की भर्ती होंगी वो आरपीएससी से होगी, वहां भी हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी इसको गति दी जा सके, इस काम को गति देने की कोशिश करें, क्योंकि काम प्राथमिकता का काम है, जल का काम है, लोगों को पानी मिले इस बात का लिए भी।